इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। इलाज के दौरान एक महिला की मौत, यह खबर शहर कोटकपुरा से आ रही है। यहां एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एक 33 साल की औरत प्रियंका पत्नी गुरमीत सिंह वासी बरीवाला मंडी की इलाज के दौरान मौत हो गई और परिवार वालों और अन्य व्यक्तियों ने की हड़ताल की तोड़फोड़। परिवार वालों ने दोष लगाया है कि कोटकपुरा में स्थित कपूर हॉस्पिटल में सिर दर्द की दवाई लेने आए थे, डॉक्टर के द्वारा इलाज अच्छी तरह से न होने से प्रियंका की मौत हो गई। दूसरे पासे कोटकपुरा के नामी डॉक्टर राजन सिंगला, रवि बंसल, मनवीर गुप्ता और अन्य डॉक्टर एकत्र होकर डॉक्टर पर हाथापाई और तोड़फोड़ करने वाले व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की मांग की। मामला यह सीगा जी, अज तो दो तीन दिन पहला साड़ी नूह सी, अपने लड़के की मिसेज सी, ये सिर दर्द के दिक्कत तो इतने दवाई लैन आए थे। इन्होंने दो दिन की दवाई दे के अज उन्होंने बुलाया सी इतने, ठीक है जी। इन्होंने कहा हूँ सर भी हजे पोजिशन ठीक नहीं, सानू ड्रिप, इन्होंने ड्रिप ला दी जी, ड्रिप तो वाल दो तीन ड्रिपा ला दी इन्होंने, ठीक है जी। उस तो बाद सानू यह कहें भी पेशेंट साडा बेहोश हो गया, ठीक है जी। उन्होंने सानू यह कहा इन्हों के मुलाम स्टाफ ने भी दो तीन घंटे रैसट देना, मतलब कि रैसट कर दौ, तो इन्होंने नशे वाले टीके लगे आ। असी चलो क्या बेसिकली चलो घंटा दो घंटे ठीक है रैसट कर लें, कोई गल नहीं। इस तो बाद असी दो तीन घंटे दो ढाई घंटे बाद लगभग दो ढाई घंटे बाद असी इन्हों पूछा, इन्होंने कोई साड़ी सुनवाई नहीं की, ना इन्होंने स्टाफ ने की, ना इन्होंने जिहड़ा डॉक्टर कपूर है इन्हें कोई सुनवाई की है, ठीक है जी। असी इन्हों पूछा, सानू इन्होंने कहा भी चैक चुक किया, कहते सारा कुछ नॉर्मल है, सानू यही कही गए हुण तक यही गल कही गए नॉर्मल है। इन्होंने तीन चार बार सानू कहा, उस तो बाद सानू अचानक इन्होंने कहता भी तुसीं डॉक्टर राजन दे लै जाओ, ठीक है राजन दे लै गए। असीं कहा चलो राजन दे लै चलते हैं जी, राजन दे लै गए। उस तो बाद डॉक्टर सानू कहिंदा तुसीं चलो मैं तुहाडे मगर आउणा, पर डॉक्टर उत्थे नहीं गया, ना डॉक्टर का स्टाफ गया, डॉक्टर का स्टाफ असीं सड़क तों फड़ के लैंदा, उह उत्थों डरदे भज गया, डॉक्टर भी डरदा भज गया जी, ठीक है। ते उत्थे जदों असीं मतलब कि राजन दे लै के गए, उन्होंने साडा जिहड़ा पेशेंट है ना मरीज गेट के उत्ते ही उन्होंने कहता जी ये तो एक्सपायर है, ये तो डेड है। पहली गल होस्पिटल बंद होना चाहिए, होस्पिटल चलना नहीं चाहिए। मैं तो आप हाथ जोड़ के जिन्हें भी इतने भैन भरा खड़े आ उन्होंने कहना भी इस कपूर होस्पिटल ना आओ। बस हाँ जी वीर जी, जिन्हें डेथ हुई है कपूर हस्पताल में तुहाडे की लगदे है? मेरे वाइफ लगदे तुहाडे की गल हुई है? बेसिक नॉर्मल सिर दर्द की प्रॉब्लम करके उन्होंने इतने लैके आए थे ट्रीटमेंट कराने लई, ते इन्होंने उन्होंने एडमिट किया, इन्होंने गलत जो भी ट्रीटमेंट करके इंजैक्शनस गलत पता नहीं की किया की नहीं किया, सिर नॉर्मल सिर दर्द की प्रॉब्लम करके जान चली गई जी। ਕਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਲੈ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਨਾਰਮਲ ਸਿਰ ਦਰਦ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡ੍ਰਿਪ ਵੀ ਲਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਡ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਦੂਸਰੀ ਡ੍ਰਿਪ ਵੀ ਲਗਾਈ, ਦੂਸਰੀ ਡ੍ਰਿਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਆ? ਇਸ ਡਾਕਟਰ ਦੇ 302 ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੌਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਿਓ 2 ਘੰਟੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਉਹਨੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ। ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਲਾ ਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਆਕਸੀਜਨ ਵਗੈਰਾ 'ਤੇ ਲਗਾ ਤਾ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਨ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਜਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਟ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਨੋ ਮੋਰ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈ ਸਰ? ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹਸਪੀਟਲ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਗਲਤ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੀਪਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, 302 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਬਸ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਔਰ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰਸ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾਲ ਕਿ
ये पेशेंट जिहड़ा सीगा डॉक्टर साहब डॉक्टर कपूर हैगे ने नवें बस स्टैंड ते प्रैक्टिस करते हैं साडे सीनियर सिटीजन ने साडे IMA दे डॉक्टर ने इन्हां दा पुराना पेशेंट सीगा ये आपदे हड्डी दा सिर दर्द हो रहा सीगा इक जवान लड़की सी वो ट्रीटमेंट लै रहे सी ओपीडी बेसिस ते अज उन्हों का ज़्यादा हैडेक होने करके उन्होंने उसे दाखिल किया उन्होंने कि हैडेक कंट्रोल नहीं हो रहा उन्होंने जो आपकी समझ के मुताबिक उन्होंने इलाज किया इलाज तो बाद वो बड़ी अनफॉर्चुनेट होया कि उस पेशेंट की डैथ हो गई सानू सारी IMA के डॉक्टर्स को इस गल का अफसोस है कि उस पेशेंट की डैथ हुई कोई भी अनफॉर्चुनेट डैथ हो जाए हर एक बंदे समाज के उस गल का अफसोस है पर इस गल के नाल नाल असी ये दसिया कि जे वो डैथ होगी तो ये एक कानूनी विधि बनी हुई है कोई भी डैथ हो जाती हॉस्पिटल वह मैडिकल बोर्ड बनता है जे फिर सिविल सर्जन NGO तो होर वो एक्सपर्ट डॉक्टर की टीम बैठ के वो सारे केस में विस्थार के देखती है तो वो चैक करती है भी डॉक्टर की की गलती सी या की नहीं सी IMA कोटकपूरा इस गल को सपोर्ट करती है कि यह बोर्ड बन के जे कोई डॉक्टर साहब की किसी पास गलती सी उस पर कानूनी कार्रवाई होगी सानू इस गल का बड़ा अफसोस है असी पेरेंट्स को आख्या भी तुम हॉस्पिटल जाके थाने आके जो भी कंप्लेट करो आप भी यू दस्या उन्होंने भी असं इस गल की पर एक गल नाल बड़ी माड़ी जी हुई ये हुई कि उन्होंने जिन्हें भी वारस उन्होंने हॉस्पिटल के आके सारा फर्नीचर रिसैप्शन तोड़ू मार की कुटमार की स्टाफ नाल डॉक्टर साहब का उन्होंने गला पकड़ के उन्होंने मारन की कोशिश की तो मेरी दरख्वास्त है जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने आख्या कि हॉस्पिटल के किसी बंदे इजाजत नहीं हैगी कि वो किसी भी फर्नीचर की या कुटमार करे तो डॉक्टर या किसी भी स्टाफ मैंबर कुटमार करे इस करके उन्होंने उत्ते भी जो भी ढुकवी कार्रवाई हैगी है वो होनी चाहिए है ता कि ये जोड़े पेशेंट्स ने जोड़े कुछ सीरीयस मरीज आते हैं हॉस्पिटल के कि डॉक्टर बेखौफ होकर वह इलाज कर सकन डॉक्टर पता लगे भी जोड़े डॉक्टर ना खिचतू हुई है जोड़े डॉक्टर ने कुटमार की वो ENT के डॉक्टर है वह कोई रोल ही नहीं जो ENT के हेड का हैडेक हो रही है दोनों कट्ठे प्रैक्टिस करते हैं तो असं जॉइंट टीम हैगी है ये नहीं कि कला एक डॉक्टर है वो MS की भी है वो हैडेक का ट्रीटमेंट करने क्वालीफाइड है वो इंडियन TV न्यूज़ देश का तेजी से बढ़ता न्यूज़ नेटवर्क।